हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आल्स के चीवी। तो आज आपके लिए मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ रेजोल्यूशन यू मेड इन द न्यू ईयर। कहते कोई रेजोल्यूशन बताओ जो आपने नए साल पे बनाई हो। एंड योर क्यूज आर व्हाट इज द रेजोल्यूशन, कहते वो कौन सी रेजोल्यूशन थी। हाउ विल यू कम्प्लीट इट, कहते वो कैसे कम्प्लीट करोगी। हाउ यू फील अबाउट इट, आपको उसकी कैसे फीलिंग होगी उसके प्रति। व्हाई यू मेड दिस रेजोल्यूशन, कहते आपने ये रेजोल्यूशन ही क्यों बताई। इस क्यू कार्ड में आप कोई भी आइडिया ले सकते हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे आपका हेल्थ के रिलेटेड हो। एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन दिस न्यू ईयर। एंड लेट्स स्टार्ट माय सैम्पल आंसर। बीइंग अ लेजी पर्सन, आई डू नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग रेजोल्यूशंस। हाउएवर, एट द एंड ऑफ दिस लास्ट ईयर आई मेड अ रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर। द रेजोल्यूशन इज टू बिकम फिट एज फिटल, कि मैं हेल्थी पर्सन दिखना चाहता था। चाहे मैं लेजी पर्सन हूँ, लेकिन मुझे ये हैबिट नहीं है कि मैं एक न्यू रेजोल्यूशन बनाऊँ। लेकिन इस एंड ईयर ऑफ ईयर मैंने ये बनाया था कि मैं न्यू ईयर से एक फिट एंड हेल्थी पर्सन दिखना चाहूँगा। ऑल्दो आई हैव ट्राइड अनअटेम्ड टाइम्स, बहुत सारे टाइम मैंने कहते ट्राई किया टू बिकम अ फिट पर्सन, बट आई हैव फील्ड मेजरेबली। मैं बहुत बुरी तरह से इसको फेल हो गया था इसमें। ओके, दिस टाइम आई विल गो बियॉन्ड द कॉन्वोकेशन डोमेन टू अचीव माई एम। द बिगेस्ट रीजन फॉर माई फेलियर इज माई बिलीव फॉर दैट फॉर वेट लॉस। आई शुड फोकस ऑन एक्सरसाइज। After meeting Dr. Rimpal Sharma, a renowned dietitian, ये यूट्यूब पे एक डाइटिशियन है, उनका बारे में बताया हुआ है। आई कंक्लूड दैट टू लॉस वेट प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन डाइट। टू अचीव माई एम, द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन आई वुड टेक इज हैविंग ऑल मील्स बिटवीन 9 AM टू 6 PM। ये जो इस एम को अचीव करने के लिए मुझे जो पॉसिबल कोर्स ये हो सकता है कि मुझे अपनी जो मील्स है वो 9 AM से लेकर 6 PM तक ही लेनी होगी। दिस प्रैक्टिस विच हेल्प मी टू प्रैक्टिस इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये मतलब व्रत की, जैसे हम कह देते हैं फास्टिंग का मतलब व्रत होता है, ठीक है, जैसे हमें कुछ दिन खाना नहीं होता कुछ। मोर ओवर आई विल स्टे फ्रॉम शुगरी एंड जंक फूड। कहते हैं मुझे शुगरी ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आप इसे कह सकते हो, एंड जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा। आई मेड दिस रेजोल्यूशन बिकॉज लास्ट ईयर देयर वॉज अ लॉकडाउन इन माई कंट्री ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड गेन इमेंस वेट, क्योंकि मैंने बहुत सारा वेट मेरी बॉडी पे आ गया था। Now, I want to burn the extra fat on my body as soon as possible. I sincerely believe that I have taken the right step by making this resolution because there is no denying this convocation that most people gain weight due to the bad intake habits. कहते मुझे इतना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है मैं ज़्यादा वेट अपना लॉस करना चाहता था। इसका बिलीव यही है कि मुझे राइट स्टेप लेने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ये कहते एक सच्ची बात स्टेटमेंट दिए गए, नोशन है, ये कहते ट्रू है, हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर बच्चे यानी ज़्यादा बच्चे या यंगस्टर्स आप कह सकते हो, या ज़्यादा लोग कह सकते हो, इंडिविजुअल्स भी आप कह सकते हो, उनके पास वेट होता है ड्यू टू द बैड हैबिट्स के कारण ही होता है, ईटिंग की बैड हैबिट्स के कारण हम कह सकते हैं। बाय चेकिंग ऑल मील्स बिटवीन 9 AM टू 6 PM आई विल गिव इनफ रेस्ट टू माई स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। कहते अगर मैं इस टाइम में भी अपनी डाइट लूँगा तो मेरे स्टमक को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा टू फॉर डाइजेशन के लिए। I sincerely believe that this resolution will begin a paradigm shift in my personality. कहते हैं अच्छी खूबसूरती मेरी पर्सनैलिटी में ग्रूम अप लेकर आएगी अगर मैं ये अचीव कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने एक सैम्पल आइडिया लिखा था, इसके अलावा आपके पास और कोई आइडिया है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फॉर मोर अप्रेल द आयल्स ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून।